हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती चौहान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस योर 10th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 31 डेटेड 15 सितंबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्कशीट आपकी आई है, ये आई है आपकी एक्टिविटी किसके ऊपर, डिटरमाइनर्स और आर्टिकल के ऊपर। जो आर्टिकल्स ए एंड दी और डिटरमिनर्स जो होते हैं, जो आपके फिक्सिंग वर्ड जिनको हम बोलते हैं, जो पोजीशन बताते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने दिया है, हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल सेफ एंड स्माइलिंग। आशा करते हैं कि आप सब सेफ होंगे और स्माइलिंग होंगे। दिस वर्कशीट ऑन वर्ड्स, लेट्स ट्राई योर हैंड एट सम स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर लाइक डिटरमिनर्स, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर, टेंस, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस। ये वो सारी चीज़ें जो आपके सिलेबस में हैं, तो उसके लिए दी हैं, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये जो हमने पढ़ा था, कौन सा, अ लेटर टू गॉड, लेंचो फार्मर था, और वो कहाँ पे गया था, मनी के साथ पोस्टमास्टर में गया था। और ये एक्टिविटी भी आपके पेज, जो लेसन है उसके स्टार्टिंग में है। द पोस्ट ऑफिस ऑफर्स द फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग मनी थ्रू मनी ऑर्डर। और जो पोस्ट ऑफिस था, उसमें फैसिलिटी थी क्या, मनी ऑर्डर भेजने की। दिस इज हाउ आई डिड इट। अब ये देखो, ये मैंने कैसे किया। अब देखिए, अब इसको करना है, सोल्व भी करते जाएंगे साथ साथ और पढ़ते भी जाएंगे। आई हैड टू सेंड मनी, सम आएगा या फी आएगा, बताइए। मनी काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल, क्योंकि काउंटेबल नाउन के साथ हम फी लगाते हैं और अनकाउंटेबल के साथ सम लगाते हैं। चलिए मैं बताती हूँ आपको। अगर आते हैं आपके रुपीज़, ठीक है, तो वो तो होते हैं आपके अकाउंटेबल, मतलब उनको आप उसके साथ फ्यू लगाइए या मैनी लगाइए। लेकिन अगर आपका मनी आता है लिखा हुआ, तो हम इसको क्या मानते हैं, अनकाउंटेबल मानते हैं मनी को। तो इसके लिए इसमें लगेगा बच्चों, इसमें लगेगा आपका सम, ठीक है। हमेशा याद रखना, मनी का बहुत क्वेश्चन आता है। मनी को सब समझते हैं कि काउंटेबल नाउन में आता है, लेकिन ये अनकाउंटेबल में नाउन में आता है। ओके स्टूडेंट्स, I had to send money to my brother through the post office. मुझे post office के through अपने भाई को some money, कुछ पैसा भेजना था। Dash told me that it was cheapest way of sending money. तो किसने बताया, anyone, किसी ने बताया या someone, तो इसमें आएगा someone, किसी ने, someone, किसी एक ने मुझे बताया, told me that it was the, इसमें the क्यों आया बच्चों, द इसलिए आया है क्योंकि जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, चीपेस्ट है ना। तरीके का कोई भी ईएसटी वाला वर्ड या सुपरलेटिव डिग्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरीके से आएगा, तो द आया ना मोस्ट के पहले, तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो हम लगाते हैं दी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस आई वेंट टू काउंटर मार्क, आई वेंट टू द, कहाँ पे गया मैं, काउंटर मार्क वहाँ के, क्योंकि वो काउंटर मार्क रखा था, तो ये डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, द होता है, ठीक है ना, द को लगाते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल में। तो आई मार्क मनी ऑर्डर, मैं वहाँ पे गया जहाँ पे काउंटर था जिसमें लिखा हुआ था मनी ऑर्डर। आई बोट मनी ऑर्डर, और इसमें क्या आएगा, आई फ्रॉम माई पेइंग मनी टू द पर्सन, और इसमें क्या आएगा, आई बोट आ मनी ऑर्डर या द मनी ऑर्डर, तो आ, क्योंकि एक भेजना है और ये काउंटेबल है, तो इसमें क्या आएगा, ए आएगा, या तो क्योंकि इसमें क्या आना है, ए आएगा बच्चों, मनी ऑर्डर, द नहीं आ सकता क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट, ए आ मनी ऑर्डर, ठीक है। फ्रॉम बाय पेइंग मनी टू द पर्सन एट द काउंटर, ठीक है, एट अ काउंटर या एट आ, सॉरी, इसमें एट ए काउंटर रहेगा। फ्रॉम बाय पेइंग मनी टू द पर्सन एट अ काउंटर, एक काउंटर पे जो पर्सन बैठा था उसको, ठीक है। फिलिंग द एमओ फॉर्म वॉज इजी, डैश बॉक्सेस वर गिवन टू फिल इन माई डिटेल, क्या दिया गया फिर मुझे, सम बॉक्सेस या एनी बॉक्सेस, तो एनी तो एक के लिए आता है, यहाँ पे आए हैं बॉक्सेस, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे सम लगाएंगे, ठीक है बच्चों। सम बॉक्सेस वर गिवन टू फिल माई डिटेल्स, उसके बाद लगा आया है डिटेल्स हैड टू कम्प्लीटेड, मुझे डिटेल कम्प्लीट करनी पड़ी,
फ्यू या ऑल। तो इसमें क्या आएगा, ऑल डिटेल्स हैड टू बी फिल्ड, और सारी डिटेल्स उसमें भरनी पड़ी। आई पेड अमाउंट, आई पेड द अमाउंट, ठीक है, इसमें क्या आएगा द अमाउंट। विच आई वॉन्टेड टू, क्योंकि द अमाउंट इसलिए आएगा क्योंकि बच्चों अगर कोई रुपीज़ होता है, कोई ऐसे 50 रुपये 20 रुपये, तो उसमें कुछ हम अलग लगा सकते थे, लेकिन इसमें एक फिक्स अमाउंट है। तो क्या है, आई पेड द अमाउंट विच आई वॉन्टेड टू सेंड टू माई ब्रदर, जो मैंने अपने किसको भेजना चाहता था, मैं भेजना चाहता था अपने भाई को, टू द क्लर्क अलोंग विद ट्रांसफ़र चार्जेस, अलोंग विद द ट्रांसफ़र चार्जेस। द काउंटर फॉइल ऑफ द एमओ फॉर्म वॉज रिटर्न टू मी फॉर माई रिकॉर्ड, ठीक है, काउंटर फॉइल ऑफ द एमओ वॉज रिकॉर्ड, ये तो इसमें तो कुछ इन्होंने पूछा ही नहीं है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं मनी ऑर्डर। देखो मनी ऑर्डर बच्चों इस तरीके का होता है, इसमें ये सारी डिटेल भरनी पड़ती है, पे रुपीज़ किसको करना है, और यहाँ पे पैसे भरने पड़ते हैं, यहाँ पे पिन कोड भरना है होता है, यहाँ पे डेट भरते हैं, यहाँ पे आप सेंडर सिग्नेचर करता है, या एमओ नंबर भरा जाता है, और ये होता है आपके ऑफिस यूज़ का है जो नीचे का है, और यहाँ पे रुपीज़ भरते हैं, ठीक है बच्चों, ये ऑफिस यूज़ का होता है, तो ये ऑफिस यूज़ का है, और सारी डिटेल हमें फिल करनी पड़ती है कोई भी एमओ भेजने के लिए, ठीक है। मनी ऑर्डर मतलब एमओ। देर आर सम मोर मेथड्स थ्रू विच वी कैन ट्रांसफ़र मनी टू समवन, और भी तरीके हैं जिससे हम पैसे भेज सकते हैं। कैन यूज़ दीज मेथड एनीवन, कोई भी, क्या एनीवन कैन यूज़ दीज मेथड्स, तो इसमें आएगा आपका एनीवन। डैश हैव, नन तो आएगा नहीं किसी को नहीं, वन मस्ट हैव एन, क्योंकि अकाउंट है, और हमारे जब साउंड आती है हमारी वोल साउंड, तो अकाउंट अ की साउंड आ रही है, तो क्या लगेगा एन, एन अकाउंट इन अ बैंक, एक बैंक में किसी का अकाउंट होना चाहिए, और फिर क्या खोल सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, मनी ऑर्डर भेज सकते हैं, ठीक है। आप ये देखिए, और देखिए ये क्या बोला है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र मतलब NEFT से भी हम पैसा भेज सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा, ट्रांसफ़र के नोट एक्सीड रुपीज़ 50,000 कोई, लेकिन उसमें ये शर्त होती है कि कोई भी अमाउंट आप भेज रहे हो तो वो 50,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ईच ट्रांसफ़र, ईच आएगा इसमें बच्चों, ईच ट्रांसफ़र के नोट एक्सीड रुपीज़ 50,000। सेकेंड है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इससे भी हम भेज सकते हैं, जो अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इन सब के लिए एक कंडीशन चाहिए, और वो क्या है, बैंक अकाउंट, अगर हमारा ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम इस तरीके से मनी ऑर्डर भेज सकते हैं। देर इज़ नो लिमिट फॉर अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट, देर इज़ नो लिमिट फॉर एनी अमाउंट, किसी भी अमाउंट की मनी को भेजने की इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती, जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, क्योंकि NEFT में तो 50,000 की लिमिट होती है, जबकि इसमें कोई भी अमाउंट भेजो आप तो एनी अमाउंट आएगा इसमें, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS भी होता है, अगर आपका अकाउंट है, ये तीनों चीज़ों कर सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट द पेमेंट इज़ इमीडिएट, और ये एकदम से होता है, इमीडिएट पेमेंट मतलब कि एकदम यहाँ आपने करा और वहाँ दूसरों को मिला। तो बच्चों ये आज की आपकी वर्कशीट आई थी, जिसमें आपने मनी ऑर्डर करना भी सीख लिया क्या क्या तरीके हैं, और आपने सारे ग्रामर के रूल भी पढ़ लिए एक बार, ठीक है बच्चों। होपफुली कि आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इन योर स्टडीज़ रिलेटेड ग्रुप। थैंक यू।